हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और आज के इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट में फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करेंगे, फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, फिबोनाची सीरीज़ ऐसी होती है जैसे कोई दो नंबर होते हैं, पहला नंबर है आपके पास 0 और दूसरा नंबर है आपके पास 1। तो फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, जो आपके पहले दो नंबर हैं उनको ऐड करके जो तीसरा नंबर होता है उसको प्रिंट करते हैं, फिर दूसरे तीसरे को ऐड करके तीसरा प्रिंट करते हैं, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। जैसे पहला नंबर है 0 और दूसरा नंबर है आपके पास 1, तो 0 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे, उसको जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 0 और 1 में ऐड करने पर तो आपके पास 1 आता है, तो आप यहाँ पर 1 आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करना है, जो नंबर प्राप्त हुआ है इससे पिछले नंबर में इसको ऐड करके जो नंबर प्राप्त होता है, यानी कि 1+1 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह से अब ये 2 है, इससे पिछले नंबर को ऐड करके, यानी कि 2+1 कितना होता है, 3 आएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह से अभी 3 आया है, इससे पिछले नंबर में इसके ऐड करके, जैसे 3+2 कितना आया आपके पास, 5 आता है। तो इसी तरह से जो नंबर आता है उससे पिछले नंबर में ऐड करके जो नंबर प्राप्त होता है, तो ऐसे हम सीरीज लिखते जाते हैं और इसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, फिबोनाची सीरीज़ कहते हैं। तो हम इस सीरीज़ को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें एक लॉजिक बनाना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई मैसेज शो हो जाए कि एंटर द लिमिट ऑफ द नंबर, कि आपको फिबोनाची सीरीज़ कितने नंबरों तक चाहिए। जैसे कि अगर मैं 4 एंटर करता हूँ तो फिबोनाची सीरीज़ चार बार प्रिंट होगी, यानी कि 4 नंबरों तक चाहिए उसकी। तो सबसे पहले हमें लिमिट चाहिए, तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा एंटर द लिमिट ऑफ द फिबोनाची सीरीज़, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैसेज आएगा, तो इस मैसेज को प्रिंट करना है सबसे पहले, तो ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग में जाते हैं, यहाँ पे कोडिंग में जाते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं प्रिंट के लिए जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ मैं नंबर, ठीक है। इक्वल टू में अब मुझे क्या करना है, प्रॉम्प्ट बॉक्स यहाँ पे लगाना है, ठीक है, प्रॉम्प्ट बॉक्स यहाँ पे लगाना है, और प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर मैं एक मैसेज देता हूँ कि एंटर द लिमिट ऑफ सीरीज़, कि मुझे सीरीज़ की लिमिट एंटर करनी है, और यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पार्स इंट में रख देता हूँ ताकि ये इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दे दोस्तों, ठीक है। तो पार्स इंटर लगाना यहाँ पे जरूरी होता है इसमें, तो यहाँ पे ये, अदरवाइज इसको स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में क्या कर दिया, एक यहाँ पे मैसेज स्टोर कर दिया एंटर द लिमिट ऑफ द सीरीज़, तो ये आपके पास मैसेज आएगा। फिलहाल Ctrl+S से सेव करते हैं और यहाँ से Ctrl+R से रिप्लेस करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक मैसेज आ रहा है एंटर द लिमिट ऑफ सीरीज़। अगर हम यहाँ पे कोई भी लिमिट एंटर करूँगा, सीरीज़ का नंबर एंटर करूँगा, जैसे 4 में एंटर करूँगा, तो 4 एंटर करने के बाद 4 बार जो आपकी फिबोनाची सीरीज़ है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया है, तो अब हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे दो नंबर चाहिए, एक चाहिए आपको 0, दूसरा चाहिए आपको 1। तो आपको सबसे पहले वेरिएबल चाहिए दो, तो यहाँ पे वेरिएबल लूँगा, मैं वेरिएबल में a लूँगा और a में मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। उसके बाद कोमा, फिर उसके बाद b वेरिएबल लूँगा और b वेरिएबल मैंने ले लिया 1 ले लिया, ठीक है। ये हमने वेरिएबल ले लिया। उसके बाद एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट वेरिएबल क्यों लिया, नेक्स्ट वेरिएबल इसलिए है जो भी इसका सम होगा a और b का, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, यानी कि इसका जोड़ आपका वो नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ये इसलिए मैंने नेक्स्ट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना, देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अब ध्यान से लॉजिक को देखो क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं इसी को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं उसको भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, एक लूप लगाना है, फोर लूप लगाना है। फोर लूप कैसे लगाएंगे, देखो एक फोर लूप लगाऊंगा, फोर लूप में मैं आई वेरिएबल लूँगा, तो मैं यहाँ पे एक फोर लूप के लिए आई वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेता हूँ। आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू नंबर, और आई को मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब मैंने ये क्या किया, अब इसमें कन्फ्यूजन होगा, देखो मैंने यहाँ पर लूप लगाया फॉर आई इज इक्वल टू 1, जब से आई की वैल्यू 1 है और आई जब से नंबर से लेस नहीं हो जाता और इसकी इक्वल नहीं हो जाता। नंबर कौन सा है जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, लिमिट। जैसे हमने 4 एंटर की लिमिट, तो ये 4 तक ही चलेगा, यानी कि 4 तक ही आपकी फिबोनाची सीरीज प्रिंट होगी, ठीक है। अदरवाइज कंडीशन आपकी फॉल हो जाएगी, यानी कि आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ये होता है। तो आई 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू नंबर, जैसे 4 किया है तो 4 के इक्वल होगा और 4 के लेस देन होगा, तब तक सीरीज चलेगी और इसको इंक्रीमेंट करता जाएगा, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो जब तक ये लूप चलेगा,
ठीक है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट है जो उसको हमें क्या करना है, ए प्लस बी कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन दो का जोड़, ए और बी को जोड़ के हमें नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर करना है, तो नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, ए प्लस बी का जोड़ हमने यहाँ पे कर दिया। जोड़ करके हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे और यहाँ पे आप क्या करना है, आपको नेक्स्ट है जो उसको यहाँ पे प्रिंट कर देना है, और यहाँ पे मैं स्लैश एन लगा देता हूँ, ब्रेक टैग लगा देता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, ताकि ये इसमें स्पेस बना रहे हेडिंग का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक हमारा काम हो गया, यानी कि ये इसको प्रिंट कर देगा, यानी कि 0+1 आपका यहाँ पे ये 1 प्रिंट कर देगा, ये तो ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद अभी क्या करना है, हमें ए को बी बना देना है और बी को हमने नेक्स्ट बना देना है। अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट में अब हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, यानी कि 0+1 कितना होगा आपके पास, 0+1=1, यानी कि नेक्स्ट में अब आपके पास क्या है, 1 है। अब ए को आपने बी बना देना है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, अब ए आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू 1 है, तो ए आपका 1 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा आपके पास, बी आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपके पास, ए और बी का सम, ए और बी का सम क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये ए इक्वल टू 1 हो गया आपके पास और बी इक्वल टू 1 होगा। अब लूप यहाँ पे चलेगा, ठीक है, लूप यहाँ पे चलेगा, लूप देखेगा, तो लूप इंक्रीमेंट होने के बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, ए आपका 1 है, बी आपका 1 है, तो 1+1 कितना होता है आपके पास, 1+1 आपके पास 2 होता है। अब ये क्या कर देगा, अब इसकी वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से फिर ए बी हो जाएगा, यानी कि ए अब यहाँ पे 2 हो जाएगा और बी ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा लूप और ये फिबोनाची की सीरीज़ को प्रिंट करता जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं कंट्रोल एस एस को सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको कंट्रोल प्लस आर से रिवर्स करता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे मिस्टेक थी दोस्तों आपकी, यहाँ पे हमें प्लस लगाना है। ठीक है, प्लस हमने यहाँ पे लगा दिया, इसको प्रिंट करने के लिए आप कोमा लगा सकते हो, प्लस लगा सकते हो। ठीक है, अब कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं और कंट्रोल प्लस आर से इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये एंटर करने के लिए पूछ रहा है, सपोज मैं यहाँ पे 4 एंटर कर देता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारी सीरीज है वो प्रिंट हो चुकी है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। ये कैसे हुई है, जैसे नंबर पहला था 0, फिर 1 था, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 आएगा तो 1 में आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास 2 आएगा, फिर 2 में 1 ऐड करोगे तो आपके पास 3 आएगा, और 3 में आप 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा सीरीज। अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करना चाहते हो, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज इक्वल्स टू -1 से 1। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से प्रेस करते हैं, 4 एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। आप ये देख सकते हो -1+1 आपके पास आता है 0, फिर आपके पास आता है 1, फिर 1 आता है, फिर आपके पास आता है 1+1 में 2। तो ये आपकी सीरीज इस तरह से चलती है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, और आप ये भी कर सकते हो दोस्तों, कितने बड़े नंबर आप सीरीज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज 17 कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये उतनी बड़ी ही आपके पास सीरीज प्रिंट कर देगा। तो ये है आपकी फिबोनाची सीरीज। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।